हेलो दोस्तों, बेबी डोज के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स से दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सेम से पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्राइस कंटिन्यूसली साइड वेव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं बार बार पंप और डंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट अब आगे किस मोड पर जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों कई लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अभी इसमें अभी बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। और ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अच्छी अच्छी अपडेट्स भी उसी रेशो में आ रही हैं, जैसे कि दुबई एक्सपो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अभी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सीधा सीधा इसकी अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स है दोस्तों। काफ़ी ट्रेंड है बेबी डोज का, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया था दोस्तों, कॉइन गेको पर ये 148 पर रैंक कर रहा है दोस्तों। और ट्रेंडिंग में जो टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं दोस्तों कॉइन गेको पे, उसमें दोस्तों ये देखो बेबी डोज का नाम आ रहा है 5वें नंबर पे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। और दूसरा जो इनका ट्विटर था दोस्तों, वो ये था कि इनके जो फॉलोअर्स थे जो ट्विटर पर, अभी 1 मिलियन दिखाता है दोस्तों, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 1.069 मिलियन। बहुत जल्द हमें 1.1 मिलियन यहाँ पर दिखाई देंगे दोस्तों। इसके होल्डर्स में भी कंटिन्यूसली इजाफा दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्द 1.5 मिलियन हमें वहाँ पर होल्डर्स दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। जो इसकी अगली अपडेट्स है दोस्तों, वो ये है कि किसी ये ट्रेंडिंग में था दोस्तों, ये ट्वीट मिसले आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। बेबी डोज को दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा एलोब्रेट किया है, काफ़ी ट्रेंडिंग में था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइक बी ऑसम, बी योर सेल्फ, डू ओनली गुड एवरी डे। दोस्तों ये बेबी डोज का इन्होंने एक फुल फॉर्म बनाया है कि मतलब इस तरह से ये स्टैंड करने वाला है। और दोस्तों ये चीज़ें करता हुआ दिखाई भी दे रहा है दोस्तों, क्योंकि बेबी डोज काफ़ी ज़्यादा चैरिटी वगैरह कर रहा है। तो डू ओनली गुड एवरी डे, तो ये चीज़ हो रहा है। बी ऑसम, बी योर सेल्फ, तो ये चल ही रहा है दोस्तों। जो नेक्स्ट इसकी अपडेट है दोस्तों, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेल स्टेट्स की तरफ से दोस्तों, काफ़ी बड़ा ट्विटर अकाउंट है ये, और दोस्तों इन्होंने साफ साफ बोला है कि बेबी डोज कॉइन इज़ बैक ऑन द टॉप मोस्ट यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बाई 500 बिगेस्ट BSC वेल्स। दोस्तों मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टॉप 500 बिगेस्ट BSC वेल्स है दोस्तों, उसमें बेबी डोज कॉइन भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसका मतलब इसमें वेल्स भी एंट्री कर रही है दोस्तों। हालांकि इसका प्राइस अभी भी डाउन है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि पूरा पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन है। बिटकॉइन भी काफ़ी डाउन में आ गया है, वापस से रिकवर कर रहा है अभी सुबह से थोड़ा सा, लेकिन अभी भी डाउन पे है, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको लेके दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाइप है। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि कुकॉइन ने अभी रिसेंटली एक AMA सेशन किया था, उसमें इसने बेबी डोज को भी इनवाइट किया था दोस्तों। बेबी डोज भी उस AMA सेशन का एक हिस्सा था। और दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से आफ्टर हुबई ग्लोबल लिस्टिंग, कुकॉइन, कोइनबेस, बाइनेंस, इन सभी पर इसके लिस्टिंग्स के काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है दोस्तों ट्विटर पर। तो कुकॉइन भी इसको काफ़ी जल्द अब लिस्ट कर सकता है दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली इसके AMA सेशन में भी था। तो ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है दोस्तों, कुकॉइन पर हमें बेबी डोज लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों बहुत जल्द। तो ये काफ़ी बड़ी बात रहेगी दोस्तों। दूसरा जो इसका अपडेट है दोस्तों, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था दोस्तों, USA से काफ़ी ये बड़ा अकाउंट है। तो यहाँ से दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि हॉटेस्ट मीम कॉइंस बाई सोशल वॉल्यूम, यानी कि दोस्तों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि ट्विटर कह सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पर जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में मीम कॉइन्स हैं दोस्तों, उन्होंने इनकी लिस्ट दी है। जो नंबर 1 पे आ रहा है दोस्तों, वो बेबी डोज है। और दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी जानते हैं कि बेबी डोज काफ़ी लंबे समय से ट्रेंड कर रहा है, हर चीज़ के मामले में काफ़ी स्पीड पकड़ी हुई है दोस्तों। और दोस्तों एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि ये अचानक से शॉक कर देने वाला है, बूम कर देने वाला है। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो मार्केट जिस कंडीशन में अभी है, यहाँ पर हम खुद भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 50% जो रूमर्स हैं वो इसके क्रैश होने के दिखा रहे हैं, यानी कि मार्केट क्रैश हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप अगर आपने इसको ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है होल्ड करने का। और अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट और क्रैश होता है तो आप तब जाके इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।